नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। हरियाणा के पानीपत जिले की पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत उर्फ फजीता को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 24 मार्च 2022 की रात शादी समारोह में एक 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। गैंगस्टर जीता को सोनीपत एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस अपराधी पर पानीपत पुलिस और एडीजीपी क्राइम की ओर से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। शुरुआती पूछताछ के बाद इसे सोनीपत एसटीएफ ने पानीपत सीआईए 2 को सौंप दिया। अब इस गैंगस्टर से पानीपत पुलिस पूछताछ कर रही है। एसटीएफ हरियाणा चीफ बी सतीश बालन के निर्देशानुसार सोनीपत एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा की अगुवाई में एसआई राकेश, एसआई योगेंद्र, एएसआई राजेंद्र, सिटी विकास और सिटी राजीव की टीम गठित कर इस गैंगस्टर को दबिश देकर दबोचा गया। इस खतरनाक गैंगस्टर पर हत्या, हत्या की कोशिश समेत कई संगीन अपराधों की 10 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गैंगस्टर पहली बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हर बार वारदात के बाद यह फरार हो जाता था और काफी लंबी फरारी करने के बाद वो कोर्ट में सरेंडर करता था। गैंगस्टर जीता की पानीपत के सिवाह गांव के गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू गैंग के साथ भी नजदीकियां बताई जा रही हैं, क्योंकि सफेदों में कई साल पहले हुए शराब ठेकेदार हत्याकांड में भी प्रसन्न उर्फ लंबू और दलजीत उर्फ जीता का नाम सामने आया था। दरअसल पानीपत के आजाद नगर में 17 साल के छात्र चिराग अपने दोस्त सुमित के साथ 24 मार्च 2022 की रात कॉलोनी में ही एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। गैंगस्टर दलजीत उर्फ जीता भी अपने भांजे के साथ वहीं पर पहुंचा था, जब देर रात सभी लोग शराब पी रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर चिराग उर्फ गौरव शर्मा से जीता की किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद गैंगस्टर ने पिस्टल निकालकर चिराग पर गोली चला दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। चिराग की मां ने कहा था कि मेरा बेटा शाम 5 बजे घर से गया था और रात 10:20 पर उसने कॉल किया था कि बहुत जल्दी वो घर पर पहुंच जाएगा। 20 मिनट बाद तुरंत फोन किया था और कहा था कि वो अपने दोस्त सुमित के साथ एक ऑफिस पर आ गया है, सुमित को कुछ वहां से काम है, उसके बाद वो तुरंत वहां से निकल आएगा, जिसके बाद 12 बजे पुलिस कॉल करती है और उसके मौत की सूचना दी जाती है, जो गैंगस्टर जीता ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस अब गैंगस्टर जीता से एक लंबी पूछताछ कर रही है और इसने अब तक जितने गुनाह कर रखे हैं सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। टीम पीटीएफ न्यूज। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।